एवरीवन, ये तो आपको मालूम होगा कि फिल्म टेक्नोलॉजी के जरिए पुराने फिल्म्स को रेस्टोर किया जा सकता है और कई ममालिक अपनी क्लासिक फिल्म को रेस्टोर भी कर रहे हैं। इंडिया में तो बाकायदा तौर पर इस काम के लिए एक इदारा बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में अभी तक ना तो कोई ऐसा इदारा है और ना ही अभी तक कोई फिल्म रेस्टोर की गई है सिवाय एक फिल्म के। जी हाँ, एक ऐसी क्लासिक पाकिस्तानी फिल्म है जिसे रेस्टोर किया गया और वो फिल्म है जागो हुआ सवेरा। और ये फिल्म उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के सबसे क्रिएटिव लोगों ने मिलकर बनाई, जिनमें एजे कारतार और फैज अहमद फैज शामिल थे। ये फिल्म रियलिज्म पर बनी। ये पहली पाकिस्तानी फिल्म है जिसे पाकिस्तान ने खुद ऑस्कर अवार्ड्स के लिए सबमिट किया मगर कामयाबी ना हो सकी। फिर इसे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में गोल्ड मेडल मिला। 2007 में इसे दो वेस्टर्न क्रिटिक्स ने केन फिल्म फेस्टिवल के लिए डिस्कवर किया जहां इसे बहुत पजीराई मिली, जिसके बाद प्रोड्यूसर की फैमिली ने इस फिल्म को रेस्टोर करवाया और अब इस फिल्म को यूट्यूब पर देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, जागो हुआ सवेरा की तरह और भी बहुत सी पाकिस्तानी फिल्म्स रेस्टोर होनी चाहिए। ईपीके की तरफ से हम अपने मुल्क के कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान में भी एक इस तरह का इदारा बनाए जो हमारी क्लासिक फिल्म्स को रेस्टोर करके महफूज कर सके, क्योंकि ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का माजी भी है और हमारा कल्चरल हेरिटेज भी। दैट्स इट फॉर नाउ। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।